जो जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये अपने जो तर्कस में तीर बचे हैं बीजेपी के पास, वो सारे छोड़ रही है सीबीआई और ईडी के माध्यम से। मैं बहुत पहले ये बात कह चुका हूँ कि ये स्वार्थी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, ये सारे जेल जाएंगे, एक भी बार नहीं बचेगा। जितने भी लीडर आज स्वार्थ की राजनीति करते हैं, इनमें से कोई नहीं बचेगा, एक हुड्डा बचेगा जो जेल नहीं जाएगा। और वो इसलिए बचेगा कि वो भाजपा के इशारे पे सारा दिन काम करता है, भाजपा से मिला हुआ। तो यही कारण है कि जो कांग्रेस उसका संगठन नहीं बन रहा, और क्या कारण हो सकता है? कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा से मिला हुआ है। किस तरह की मिलीभगत है चौधरी साहब? अभी तक भी तुम्हें नहीं पता चली, तुम कहाँ रहते हो ये तो बताओ, तुम कहे के पत्रकार। किस तरह की मिली भगत है कि ये माने कि बीजेपी के साथ ही मिले हैं, दबाव है क्या, क्या है? सबसे पहला मामला तो है रमेश, उसका सुभाष चंद्रावाड़, पहले की शही बदली गई कि नहीं बदली गई? हुड्डा से पूछो, यही मिल जाता है तुम्हें रोज कि तने किसको वोट दिया था। वो बैलेट पेपर खाली छोड़ कर क्या था, कांग्रेस हाईकमांड के कहने के बाद उसने अपना वोट आर के आनंद को नहीं दिया था। और उसने ये कहा था कि सुभाष चंद्रा मेरा दोस्त है, राजनीति में दोस्ती नहीं चला करती। लेकिन भाजपा का दबाव इतना ज़्यादा था कि उसने अपना बैलेट भी खाली छोड़ना पड़ा उसको, और दिखाना पड़ा वहाँ सबको कि ये देख लो भाई, मैं तो जो तुमने कहा वो करके आ रहा हूँ। दूसरा, भाजपा ने उसका आसान उतारा, उसके बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाकर। अगर उसके सामने भाजपा किसी कैंडिडेट को खड़ा करती तो हर हालत में दीपेंद्र हारता, जीतता नहीं, हर हालत में हारता, ये उसका आसान उतारा। तीसरा, फिर भाजपा की इसने मदद इस चुनाव में करी राज्यसभा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम बताए जिसका वोट कैंसिल हुआ, पार्टी का लीडर है उनकी का, उसको पता नहीं है तो मिला हुआ है तभी नाम नहीं बता रहा ना। ये पूछो तो सही तुम उससे कि तू नाम तो बता, क्या नाम उस आदमी का। नू के अंदर जो हिस्सा हुई, और नू के अंदर मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, तो विपक्ष के नेता के नाते हुड्डा की जिम्मेवारी बनती थी कि चीफ मिनिस्टर से फ्लोर ऑफ द हाउस ये पूछता कि उस षड्यंत्र के पीछे कौन है बता, ये चुप क्यों हो गया, उस पर क्यों नहीं बोला। ये अपने जो इसके तीन मेंबर थे उन तीनों मेंबरों को इसने बोलने से क्यों रोका, इससे पूछो सरी। तो फिर 2024 में बीजेपी की मदद करेंगे? ये बीजेपी की मदद करेगा हर हालत में, ये तो अपने आप को मुकदमों से बचाना चाहता है। बाकी तो किसी का कहीं नाम है कि नहीं, ईडी वाले ले जाते हैं, नहीं उठा के ले जाते हैं, हर तो भी लेके उठा के। इसके खिलाफ तो बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारे मामले हैं, आज तक क्यों नहीं पकड़ा इसको? पकड़ना चाहिए था कि नहीं पकड़ना चाहिए था? अगर सीबीआई ने केस दर्ज कर रखे हैं तो ईडी लेगी क्यों नहीं? अनिल विज तो कहेंगे जेल जाने की तैयारी करें भूपेंद्र हुड्डा, दोनों हैं जमा चाचे भाई हैं, वही अलग अलग नहीं है, कहने की बातें अलग है, वैसे एक है।